हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन, या फिर अदर आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी हो, आपका एच टेट हो, या फिर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का हो। तो आपकी जो परिभाषाएं हैं, जो आपकी डेफिनेशंस हैं, वो जरूर आती हैं एग्जाम में, और पूरे पेपर में वो एक या दो नंबर का जो अपनी वैल्यू है वो कंटेन करती हैं। तो उन एक या दो नंबर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर जो एक्सटेंशन एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं, जिन्हें हम हिंदी में परिभाषाएं कहते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारी ही डेफिनेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए कि पर्टिकुलर किस व्यक्ति ने किस बारे में कहा है, या फिर किस तरीके से इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। पर्टिकुलर जब हम पॉइंट को देख लेंगे तो आपको पूरी परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, जिससे कि आपके जो आगे के जो एक या दो नंबर की जो डेफिनेशंस आती हैं उनको आप सिक्योर कर सकें। अगर आपने अभी तक ग्लोबल गुंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको होम साइंस से रिलेटेड और सीटेट और आपके बाकी जो स्टेट टेट होते हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आगे महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो सूपे ने क्या कहा है, सूपे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन है उसमें अपने जो रूरल पीपल होते हैं, जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, उनको एम्फेसाइज किया है, उस पर ज्यादा जोर दिया हुआ है। इन्होंने लिखा है, द रूरल पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड नीड्स एंड हेंस एक्सटेंशन एजुकेशन हैज टू बी ब्रॉड एंड वेरिड इन इट्स मीनिंग टू मीट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इट इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। इट इज डिजाइन टू मीट देयर नीड्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन अ सेल्फ हेल्प बेसिस। यानी कि उन्होंने बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है। पहला है कि डिफरेंट इंटरेस्ट और नीड के होते हैं रूरल पीपल। किसके बारे में बात की है, ग्रामीण पर लोगों के बारे में, क्योंकि जो हमारा एक्सटेंशन का प्रोग्राम होता है वो होता ही ग्रामीण व्यक्तियों के उत्थान के लिए, उनके एनहेंसमेंट के लिए होता है, उनको उनको आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो रूरल पीपल के बारे में इन्होंने बात की है, और इसके बाद इन्होंने बोला है कि डिफरेंट इंटरेस्ट और नीड के होते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का काम ही यही है कि जो ब्रॉड और जो वेरिड जो चीजें हैं उसमें काम करना, उसमें उन लोगों को हेल्प करना। ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जो कि लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करता है, उनको इस तरीके से गाइड करता है, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप हेल्प कर सकें, अपने आप सॉल्व कर सकें। ये बात कही है सूपे ने। किसने कही है ये बात आप आपकी कही है सूपे ने। तो सूपे का नाम आप याद रखेंगे, और जिससे आपको याद रहेगा ये सूपे ने कही है ये बात, ठीक है। तो सूपे को याद रखिएगा। सूपे ने बेसिकली ग्रामीण लोगों की बात की है, डिफरेंट इंटरेस्ट की बात की है उन्होंने, सेल्फ हेल्प की बात की है उन्होंने, और एजुकेशनल प्रोग्राम की बात की है, और ब्रॉड एंड वेरिड प्रो एक्सटेंशन प्रोग्राम के बारे में उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि सूपे की डेफिनेशन क्या थी, और आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सारे ही मार्क्स को हटा दिया है। आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड डेफिनेशन की तरफ। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो एमसी बोरेट ने दी है। एमसी बोरेट काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये। इन्होंने अपनी पूरी जो परिभाषा है उसमें बोला है कि प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करना है, उन्हीं नवीन कार्यों के करने के लिए उत्साहित करना है, तथा ज्ञान अर्जन में सहायता प्रदान करना है, जिससे वे स्वयं के ज्ञान एवं निर्णय के अनुसार कार्य कर सकें। तो बेसिकली उन्होंने जो बात कही है वो उन्होंने बात की है कि प्रसार शिक्षा अपनी समस्याओं का निराकरण करना है, यानी कि किसकी प्रॉब्लम्स है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं, जो टारगेट ऑडियंस है, वो अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनको उत्साहित करना है, जिससे कि जब हम किसी चीज के लिए मोटिवेटेड होते हैं तभी तो काम करते हैं। जैसे कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम था तो बहुत मोटिवेटेड थे बच्चे, बहुत पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन हम ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि कोई भी एग्जाम एक दिन में, एक महीने में क्रैक नहीं होता है। उसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है, बुक्स को देखना पड़ता है, चीजों को लर्न करना होता है। क्या होता है कि हम एक महीने की प्रैक्टिस में क्या कर लेते हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, और एवरेज में क्या होता है कि आप
मेरे 5 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया, हम वो वाली स्थिति में आ जाते हैं। अगर आपको बियॉन्ड द एवरेज स्टूडेंट्स वर्क करना है तो आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी होगी शुरुआत से। तो उसके लिए अभी से आपको सारी चीजों को लर्न करते हुए धीरे धीरे स्लोली चलना होगा। जैसे कि कछुए की जो चाल होती है, खरगोश की चाल में क्या होता है कि हम एक टाइम पे तो बहुत तेज भागते हैं, उसके बाद हम डाउन हो जाते हैं। कछुए की जब हम चाल चलते हैं तो हम धीरे 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 चीजों को लर्न करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलते हैं, तो चीजें अपने आप हमारे हमारे पक्ष में आ जाती हैं और हम अच्छी तरीके से उनको क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो उत्साहित करना है उनको, ज्ञान अर्जन में उनकी हेल्प करना है और स्वयं के ज्ञान एवं निर्णय के अनुसार उनको कार्य कर सके इतना योग्य बनाना है, ऐसा आपका MC बोरेट ने कहा है। चलिए मैं इसको भी एक बार हटा देती हूँ, सारे मार्क्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपनी अलग नोटबुक बनाएं एक्सटेंशन एजुकेशन की और वहां पर नोट्स को प्रिपेयर करें, नॉट फॉर ओनली द एल्टीग्रेड एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द TGT, PGT, GIC, आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, फिर लीगन्स के द्वारा क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। लीगन्स ने कहा है प्रसार को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है। क्या कहा है? व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? लीगन्स ने कहा है। याद रखिएगा, प्रसार, अगर आपसे पूछा जाए प्रसार शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान का नाम किसने दिया है, तो लीगन्स ने दिया है। जिसके सिद्धांतों का उपयोग कर स्कूल के बाहर वयस्कों एवं युवकों की समस्याओं को हल किया जाता है। देखिए, व्यवहारिक विज्ञान कहा है इन्होंने, स्कूल के बाहर की बात की है इन्होंने, और वयस्क और युवकों दोनों की ही समस्याओं को सॉल्व करने की बात कही है। किसने कही है? लीगन्स ने कही है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं धामा के बारे में। धामा ने क्या बात कही है? धामा ने प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि बताई है। तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण समाज के लिए उपयोगी ज्ञान की बात किसने की? धामा ने की है। ये बात धामा ने की है कि आपके जो ग्रामीण विकास है उसके लिए जो उपयोगी ज्ञान है वो आपको एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये बात धामा ने कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग OP धामा के बारे में। प्रसार कार्य वह औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में बात OP धामा ने की है। ये बात आपको कहीं कई बार मिलेगी, कई जगह मिलेगी, और ये आपका OP धामा का जो क्वेश्चन है, जो आपका ये नाम है, काफी बार पेपर में रिपीट होता है, तो ये याद रखिए। वो मैं आपको सजेस्ट भी करती हूँ, आपको एक्सटेंशन की बुक लेनी है तो आप OP धामा की लीजिए। इट इज अ वेरी गुड एडिशन, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट को उन्होंने कवर किया है। ठीक है, तो OP धामा ने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की बात की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों और शहरी लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना। देखिए, सुधार की बात सब कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि OP धामा ने किसकी की? औपचारिक अनौपचारिक की। धामा ने किसकी बात की? आपकी, इन्होंने उपयोगी ज्ञान की बात की। लीगल्स ने किसकी बात की है? लीगल्स ने बात की है आपकी व्यवहारिक विज्ञान के बारे में बात की है। ऐसी MC बुरिट ने किसके बारे में बात की है? इन्होंने समस्याओं के सही निराकरण, अपनी समस्याओं के सही निराकरण के बारे में बात की। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को एक एक टर्म से याद कर लीजिए। HW बट के बारे में बात हम करते हैं, तो HW जो बट है, इन्होंने बताया है ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। इन्होंने एक्सटेंशन के बारे में बताया है। एक्सटेंशन क्या है? कि ग्रामीण जीवन का जो विकास है, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो उपयोगी ज्ञान है, उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। ये किसने कहा है? HW बट ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डेफिनेशंस को याद रखिएगा। फिर मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस, जो लेंदी लेंदी डेफिनेशंस है, उनमें से इंपॉर्टेंट क्लूज को निकाला है, जिससे कि आप याद कर पाए कि किसने किस क्लू से अपनी डेफिनेशन को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम B राम भाई के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने प्रसार को दोहरा रास्ता बताया है। क्या बताया है? इन्होंने अपने प्रसार को दोहरा रास्ता, टू वे चैनल बताया है इन्होंने। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका बी राम भाई ने कहा है कि प्रसार क्या है? प्रसार आपका दोहरा रास्ता है। इट इज अ टू वे चैनल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आदवी रेड्डी की। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने प्रसार शिक्षा को सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बताया है। देखिए, इन्होंने साधन के बारे में बात की है, समुदाय विकास की, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की है एक्सटेंशन के थ्रू, और एक साधन के रूप में इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है। फिर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर रणजीत सिंह के बारे में।
डॉक्टर रणजीत सिंह ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रसार शिक्षा को विज्ञान की संज्ञा दी है। किसकी? विज्ञान की। किसने साइंस कहा है? अगर आपसे पूछा जाए प्रसार शिक्षा को विज्ञान की संज्ञा किसने दिया है, विज्ञान से किसने परिभाषित किया है या विज्ञान कह के किसने पुकारा है, तो डॉक्टर रणजीत सिंह ने पुकारा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बाघमरे के अनुसार प्रसार शिक्षा क्या है। तो बाघमरे ने कहा है स्कूल के बाहर की प्रक्रिया, मींस जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है, स्कूल के बाहर की प्रक्रिया जिसमें कठिनाइयों के निवारण में और समस्याओं के सुलझाने में अपनी मदद खुद करना है, मतलब सेल्फ हेल्प स्किल्स डेवलप करना है। इन्होंने देखिए अनौपचारिक शिक्षा की बात करती, स्कूल के बाहर की बात की है, तो ये तो बात हो गई उपिधामा के बारे में, और सेल्फ हेल्प की बात कर दी, तो सेल्फ हेल्प क्या बात अभी आपको यहाँ किसने की थी, यहाँ सूपे ने की थी सेल्फ हेल्प की बात, सेल्फ हेल्प की बात की है यहाँ पे इन्होंने। तो इस तरीके से दो लोगों की जो डेफिनेशन है उसका कॉम्बिनेशन बागमरे ने दिया है, एक तो आपकी ओपी धामा और आपकी सूपे, इन दोनों की का डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन बागमरे के द्वारा दिया गया है। फिर उन्होंने बीसी कृष्णाचारी के बारे में अगर हम बात करें तो बीसी कृष्णाचारी ने कहा है प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने वाली ये शिक्षा कहा जाता है, यानी कि सतत यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो आपकी अपने आप चलती रहती है वो आपकी प्रसार शिक्षा होती है, ये आपका बीसी की कृष्णाचारी ने कहा है। तो इस तरीके से जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन को डिफाइन करने वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ कवर किए हैं हमने। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सभी अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, नो मैटर एग्जाम कब आएगा, कब उसकी वैकेंसी आएगी, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए जिससे कि आप आगे डिफीट ना मिले आपको। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स 2, 4, 5 नंबर से आगे पीछे रह रहे हैं तो वो अपने इस गैप को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, और साथ में अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेगुलर आपको वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेंगी। वी विल ट्राई टू कवर ऑल द एरियाज ऑफ होम साइंस जहाँ पर आपके, चाहे वो आपका TGT, PGT, GIC, LTGREAT या NET JRF का हो, हम का पूरा कोशिश करेंगे सभी को कवर अप करने की। और साथ में अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।